आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार कुछ बातों के लिए प्रतिबद्ध है। समाज के वंचित वर्ग को वरीयता, उस संकल्प को लेकर के हम जी रहे हैं, उस संकल्प को लेकर के चल रहे हैं। दशकों तक दलित, पिछड़े, आदिवासी जिस हालत में उनको छोड़ दिया गया था, वो सुधार नहीं आया जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था, जो संविधान निर्माताओं ने निर्दिष्ट किया था। 2014 के बाद गरीब कल्याण योजनाओं का सर्वाधिक लाभ मेरे इन्हीं परिवारों को मिला है। दलित, पिछड़ों, आदिवासी की बस्तियों में पहली बार, मानिए थे कि पहली बार बिजली पहुंची है। मीलों तक पानी के लिए जाना पड़ता था, पहली बार नल से जल पहुंच रहा है, इन परिवारों में पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अनेक परिवार, कोटि कोटि परिवार पहली बार पक्के घर में आज जा पाए हैं, वहां रह पाए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बस्तियां आपने छोड़ दी थी आपके लिए चुनाव के समय ही जिसकी याद आती थी, आज सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इतना ही नहीं 4G कनेक्टिविटी भी वहां पहुंच रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पूरा देश गौरव कर रहा है, आज एक आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में जब देखते हैं, पूरा देश गौरवगान कर रहा है। आज देश में आदि जाति समूह के नर नारी जिन्होंने मातृभूमि के लिए जीवन तर्पण कर दिए, आजादी के जंग का नेतृत्व किया, उनका पुण्य स्मरण आज हो रहा है और हमारे आदिवासियों का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। और हमें गर्व है कैसी महान हमारे आदिवासी परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में एक महिला देश का नेतृत्व कर रही है, राष्ट्रपति के रूप में काम कर रही है, हमने उनका हक दिया है। आदरणीय जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, हम पहली बार देख रहे हैं, एक बात ये भी सही है, हम सबका समान अनुभव है, सिर्फ मेरा ही ऐसा है ऐसा नहीं, आपका भी है। हम सब जानते हैं कि जब मां सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है, जब मां सशक्त होती है तो परिवार सशक्त होता है, परिवार सशक्त होता है तो समाज सशक्त होता है, और तभी जाकर के देश सशक्त होता है। और मुझे संतोष है कि माताएं बहनों बेटियों को सबसे ज्यादा सेवा करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। हर छोटी मुसीबत को दूर करने का प्रामाणिक पूर्वक प्रयास किया है, बड़ी संवेदनशीलता के साथ उस पर हमने ध्यान केंद्रित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कभी कभी मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, लॉल के लिए परसों टॉयलेट की बातें करता है, बड़ी मजाक उड़ाई गई। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये टॉयलेट, ये इज्जत घर, इन मेरी माताओं बहनों की क्षमता, उनकी सुविधा, उनका सुरक्षा का सम्मान करने वाली बात। इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं सैनिटरी पैड की बात करता हूं तो लोगों को लगता है अरे प्रधानमंत्री ऐसे विजय में क्यों जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सैनिटरी पैड्स के अभाव में गरीब बहन बेटियों के अपमान सहती थी, बीमारियों का शिकार हो जाती थी,
माताओं बहनों को धुएं में दिन के कई घंटे बिताने पड़ते थे, उनका जीवन धुएं फंसा रहता था, उसे मुक्ति दिलाने का काम उन गरीब माताओं बहनों को करने का सौभाग्य हमें मिला है। जिंदगी खप जाती थी, आधा समय पानी के लिए आधा समय केरोसिन की लाइन के अंदर खपे रहते थे, आज उसे मुक्ति देने का संतोष, उन माताओं बहनों को मुक्ति देने का संतोष। माननीय अध्यक्ष जी, जो पहले चलता था अगर वैसा ही हम चलने देते शायद कोई हमें सवाल भी नहीं पूछता कि मोदी जी ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, क्योंकि देश को आपने ऐसी स्थिति में ला दिया था कि इससे बाहर निकल ही नहीं सकता था, वैसी निराशा में देश को झोंक कर रखा हुआ था। हमने उज्ज्वला योजना से धुएं से मुक्ति दिलाई, जल जीवन से पानी दिया, बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम किया, 9 करोड़ बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह से जोड़ना, माइनिंग से लेकर के डिफेंस तक आज माताओं बहनों को बेटियों को अवसर खोल दिए हैं, ये खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हम याद करें, वोट बैंक की राजनीति ने देश के सामर्थ्यों को कभी कभी बहुत बड़ा गहरा धक्का पहुंचाया है और उसी का परिणाम है कि देश में जो होना चाहिए, जो समय पे होना चाहिए था, उसमें काफी देर हो गई। आप देखिए, मध्यम वर्ग लंबे समय तक, मध्यम वर्ग को पूरी तरह नकार दिया गया, उसकी तरफ देखा तक नहीं गया।